न आदाब रुबाई उर्दू की एक अहम सिनफ सुख़न है आज हम रुबाई के फ़न और उसकी रिवायत वर्तक़ा के बारे में गुफ्तु -गु करेंगे मेरा नाम जमरुद मुग़ल है और जो लेक्चर में पेश करने वाला हूँ उसे प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी ने तैयार किया है रुबाई अरबी ज़बान का लफ्स है ये रबा से मुश्तक है जिसके लगवी मानी चार चार के हैं शायराना असला में रुबाई उसफ़ का नाम है जिसमें चार मिस्रू में एक मकम्मल मज़मून अदा किया जाता है इसका वज़न मखसूस है पहले दूसरे और चौथे मसरों में काफ़िया लाना ज़रूरी है तीसरे मिसरे में अगर काफ़िया ना लाया जाए तो कोई ऐब नहीं रुबाई के मौजूद का कोई तयन नहीं उसके आखिरी दोनों मिसरों बिलखसूस चौथे मिसरे पर पूरी रुबाई के हसन व असर और ज़ोर का दार मदार है अलरज़ रुबाई की खारजी शनाख्त यह है कि वो चार मिसरों पर मुश्तमल होती है और उसके पहले दूसरे और चौथे मिसरे हम काफ़िया व हम रदीफ़ होते हैं दूसरी असनाफ़ की तरह इस में भी रदीफ़ का इल्ताम शायर की मर्ज़ी पर है बाज़ रुबाई गो चारों मिसरों में भी ये इल्ताम करते हैं बिलुमुम चौथे मिसरे में उरूज होता है अक्सर रुबाइयों में शुरू को दो मिसरे भर्ती के होते हैं लेकिन कामयाब रुबाई की पहचान ये है कि उसके चारों मिसरे मानवीय एतबार से मरबूत हूँ रूस की मुख्तलिफ किताबों में रुबाई के मुख्तलिफ़ नाम मिलते हैं जैसे रुबाई तराना और दो बैती बाज ने चहार मिसरी चहार बती जुफती और खसी भी लिखा है इब्तदा में रुबाई के चार मिसरे बाहम मुकफ़ा हुआ करते थे बाद में तीसरे मिसरे से काफ़िया हजफ कर दिया गया और उसे रुबाइय खसी कहने लगे गोया चारों मिसरे हम काफ़िया हूँ तो रुबाई गैर खसी और तीसरे मिसरे में काफ़िया ना हो तो हंसी कहेंगे रुबाई का फ़न कूजे में समंदर को समोने का फ़न है चार मिसरों में एक वसी और अमीक ख्याल को अपनी तमाम जमालियाती रहनाइयों और फलसफियाना पहलुओं के साथ कैद कर लेना उस वक्त तक मुमकिन मुमकिन नहीं है जब तक के फ़न पर ज़बरदस्त अबूर और ज़बान की लताफ़तों से आशनाई हासिल ना हो रुबाई की कम सुखन और मर्द अफगन सिनफ मौजू की वसत और लफ्ज़ों पर कुदरत के साथ साथ खयाल की गहराई और चौथे मसरे की कुत पर बात को एजाज़ अख्तसार के साथ कहने का मुतालबा करती है अरचंद के रुबाई के चुरासी ओजान बयान किए जाते हैं बहरहाल रुबाई के लिए एक और सिर्फ एक ही बहर की पाबंदी फनकार के लिए पुलसरा की हैसियत रखती है मामूली इस रखने वाले शायर के लिए एक बहर के चारों मिसरों में नादर कैफियत और गहरे ख्याल नेज़ अपने मतनू तजर्बात पेश कर देना इंतहाई दुशवार है इसके लिए दीदा रेजी रियाज फ़न इकतसाबो एहतसाब और गैर मामूली गैरमूली कलाम की ज़रूरत होती है बकोल शादारफी गौर फरमाइए चार मिसरों के अंदर समंदर समो देना कोई आसान काम नहीं है उसके अहाते के लिए काफ़ी वाफ़ी मश की ज़रूरत है मेरा ख्याल और तजुर्बा ये है कि जब तक फ़न पर दरोबस्त अबूर न हो रुबाई उम्दा किस्म मुमकिन नहीं कामयाब रुबाई गोई के लिए मिस्रों की तरतीब के अलावा रुबाई की ज़बान भी एक ज़रूरी जुज़ है मगर रुबाई की ज़बान दूसरे असनाफ़ सुखन से ज़रा मुख्तलफ़ होती है रुबाई के लिए वो चाहे फ़िक्रिया हो या तरबिया ज़बान की बलागत और सादगी में पुरकारी की ज़रूरत है आम तौर पर नक्कादान अदब का कहना है कि ख़याल की पुख्तगी के साथ साथ रुबाई की ज़बान भी नहायत साफ़ सुथरी और औरलूब भी बर्जस्ता और शस्ता और रफ्ता होना ज़रूरी है ताकि मज़मून फ़ौर जहन नशीन हो जाए या कल्ब पर असर करे फ़ारसी में रुबाई गोई की इब्तदा तीसरी सदी हिजरी से हो गई थी अबूशूर बल्खी और बायजीद बस्तमी अवलिन रुबाई गो शोरा तस्वूर किए जाते हैं उर्दू रुबाई में भी रुबाई गोयों की कई दौर गुज़रे हैं उर्दू के पहले साइब दीवान शायर कुली कुतुब शाह के कुलियात में मतद्द रुबाइयाँ मौजूद हैं इसलिए वो उर्दू रुबाई के पहले शायर समझे जाते हैं दखन के कुली कुतुब शाह मुला वजही और सिराज औरंगाबादी उर्दू के पहले रुबाई गो हैं उर्दू के श्रा में कुली कुतुब शाह से पहले किसी शायर का ऐसा कलाम दस्तियाब नहीं जो कुली कतब शाह से अवलीत का सहरा छीन ले उनकी कुलियात में मतदद रबायात मौजूद हैं उनके यहाँ खुमरिया नातिया मदाहिया और इश्किया हर रंग की रबायात मौजूद हैं कुली कुतब शाह के बाद मुला वजही दूसरे अहम शायर हैं जिनके यहाँ रबायात मिलती हैं उनकी तीन रबायात उर्दू शाहपारे तसनीफ़ करदा मोयुद्दीन कादरी जोर में नकल की गई हैं उनको कदीम रबायात में शुमार किया जा सकता है दकन के तीसरे रुबाई गो शायर सिराज औरंगाबादी हैं उनकी रबायात साफ़ सुथरी और सलीस हैं उन्होंने अपनी रबायात में इश्किया जज्बात को बड़े सलीके से नज्म किया है वली दखनी के यहाँ भी अच्छी रबायात मिलती हैं उनकी कुलियात में कुल छब्बीस रबायात शामिल हैं तमाम रबायात उमदा मजामीन और बुलंदी फ़िक्र की हामिल हैं और मतवफ़ाना ख़्यालत से ममलू हैं गजलों की तरह रुबाइयात में भी उन्होंने हुसन की मुजस्मा साजी महबूब की सरापा निगारी के अलावा आरिफाना और आशिकाना जज्बात की भरपूर अक्कासी की है वली दखनी और सराज औरंगाबादी की एक एक रुबाई मुलाहज़ा फरमाइए तुझ मुख का ये फूल है चमन की जीनत तुझ शम का शोला है अगन की जीत फिरदोस में नरगस ने इशारे सू कहा ये नूर है आलम के नैन की जीनत वली दखनी थायन नमाज में के साकी आया फिर सागर मैं मेरे मुकाबिल लाया मैं उसको इशारे में कहा तायब हूँ बोला के शताब पी प्यासू लाया सिराज औरंगादी अठारहवीं सदी ईस्वी में वली दखनी के ज़ेर असर शुमाली हिंद में गज़ल मसनवी वग़ैरह उर्दू में भी लिखी जाने लगीं इस तरह सिनफ रुबाई में भी कमोपेश उस दौर के सब शायरों ने तब की रुबाई में अखलाकी सूफियाना हिजविया इबरत बेसबाती और दहर के मजामी के अलावा शायरों ने अपनी जात और तस्वुर शायरी के बारे में भी अपने मखसूस नुक़ नज़र का इजहार किया है मीर हसन और जाफर अली हसरत इस दौर के दो ऐसे शायर हैं जिन्होंने बाकायदा रदीफ़ वार दीवान रबायात भी तरतीब दिए इब्तदा में शहर आशोब ऐसे कतों और रबायात का मजमु होती थी जिनमें मुख्तलिफ़ तबकों और पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले लड़कों के हसन वजमाल और उनकी दिलकश अदाओं का बयान होता था रफ्ता रफ्ता-रफ्ता शहर आशोब एक अलग सिंह बन गई लेकिन मुख्तलिफ़ तबकों और पेशों के लड़कों की तारीफ में कतात और कतायात का रिवाज फिर भी बाकी रहा मीर हसन के कुलियात में ये रबायात फ़ारसी रिवायत की इसी पैरवी में लिखी गई हैं यही सूरत हसरत के कल्लियात में नज़र आती है फ़सल दर, दर शहर आशोब में हसरत ने मुख्तफ़ पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले लड़कों और औरतों के बारे में सड़सठ रुबाइयाँ लिखी हैं हासिल कलाम ये कि हसरत अपने दौर के एक बुलंद पाया रुबाई निगार थे उनकी रुबाइयों में हमदनात मनकबत अखलाकियात और हिजविया मजामी बकसरत मिलते हैं सिनफ रुबाई के इस दौर में रुबाई परवान नहीं दिया जाता था गालिबा हसरत पहले शायर हैं जिन्होंने अपनी रुबाइयों कोनवाना से मुजीन किया उनके बाद दर्द सौदा और मीर का ज़माना आता है उनकी रुबाइयात में ऐसे शेरी महासिन जमा हो गए थे जिनसे रुबाई की सिंफ को फ़रोग पाने में काफ़ी मदद मिली दर्द की रुबाइयाँ अगरचे तादाद में बत्तीस तैंतीस होंगी मगर सब की सब मंतब और जामे हैं मीर तकी मीर के कुलियात में तकरीबन सवा सौ मिलती हैं इस ज़माने के रबाई गोइयों में मीर हसन भी हैं उनके अलावा इस दौर में बहादुर अली वहशत अब्दुल हई ताबा हसनुल्ला बयान और मीर मोहम्मद सोज़ वग़ैरह भी आते हैं बंगाल के अब्दुल गफ़ूर नसाख भी माहिर रुबाई गो थे तराना ख़ामा के अनुमान से उनकी रुबाइयों का दीवान भी शाया हुआ ग्वालियर से मीर सैद अली गमगीन ने भी कसरत से रुबाइयाँ कहीं मुकाशफ असरार मसूफ़ की अट्ठारह सौ रुबाइयों का दीवान है मीर नसाख हसरत और गमगीन की रुबाइयों के नमूने मलाह हूँ मिलिए उस शख़्स से जो आदम होवे नाज अपने कमाल पर जिसे कम होवे गोया हो तो गिरद आवे एक खल्क खामोश रहे तो एक आलम होवे मीर ये शहर नहीं है यक जहाँ कलकत्ता हर शहर में है आसमां कलकत्ता जन्नत में भला कहाँ ऐसी हो रें फिरदोस कहाँ और कहाँ कलकत्ता नसाज जो हुआ तेरी रजामंदी का ताल था वो अपने दिल की हरसंदी का परवाह नहीं बंदे हमारे के तुझे अल्लाह रहे तेरा रुतबा खुदाबंदी का हसरत देखा न हो खुदा को तो इंसान को देख देखा न हो नबी को तो कुरान को देख जाहिद देखा अगर न हो गमगीन को तो उसकी रुबाइयात के दीवान को देख गमगीन सौदा के कुल्लियात में अस्सी रुबाइयात हैं जिनके मौजुआत मुख्तलिफ हैं चूंकि ये दौर उर्दू की इश्किया शायरी का बेहतरीन दौर था इसलिए रुबाई के मौजूद में इश्क के लवाज़मात कसरत से मिलते हैं बल्कि ये कहा जाए कि उस वक्त की रुबाई को सरहद इश्क, इश्क से बाहर ना निकल सके तो बेजाना होगा तीसरे दौर की रुबाइयाँ दूसरे दौर के मुकाबले में पस्त हैं क्योंकि उर्दू का अदबी मरकज़ दिल्ली से लखनऊ मुंतकिल हो गया था दिल्ली और लखनऊ के मजहबी मतखदात में भी बड़ा फ़र्क था इस दौर में आतिश नासिक इंशा और ज़ुर्रत को शुमार किया जा सकता है मगर उनकी रुबाइयों में सतही खारजियत पाई जाती है नज़ीर अकबर आबादी का शुमार भी इसी दौर में होता है गरचे उनकी रुबाइयों का रंग उनके पेशों शायरों से बिल्कुल मुख्तलफ है अहल लखनऊ इन दिनों तस्वुफ़ से ज़्यादा इश्क मजाजी के मसाइल से दिलचस्पी रखते थे इसलिए रुबाई जैसी सिनफ सुखन से अहले लखनऊ की बेअतनाई फितरी थी चुनाचे इस अहद के शोरा के यहाँ रुबायात तो मिलती हैं मगर बहुत कम नज़र आती हैं आतिश नासिक इंशा, नज़ीर अखबार आबादी और जुर्रत के यहाँ रबायात तो मिलती हैं मगर बहुत कम इंशा के यहाँ तकरीबन चालीस रुबाइयाँ मिल जाती हैं मगर ये तमाम की ताम तमाम तान व तशनी के मौजूद पर कही गई हैं नज़ीर जुर्रत सौदा और मीर हसन की एक एक रुबाई सुनिए तनहा है चराग दूर परवाने हैं अपने जो थे कल वो बेगाने हैं निरंगी दुनिया का ना पूछो अहवाल किस्से हैं कहानियाँ हैं अफसाने हैं नज़ीर देखा जो उसने मेरे जी का खोना और खेच के आह सर्द हरदम रोना मुंह फेर के मुस्कुरा के चुपके से कहा आसान नहीं किसी पे आशिक होना जरूरत सौदा पिए दुनिया तो बहर सू कब तक आवारा अजी कूचा बयां कू कब तक हासिल यही उससे न के दुनिया होवे बिलफर्ज हुआ ये भी तो फिर तू कब तक सोदा हर आन में आपको दिखा जाते थे मुश्ताक को तस्कीन दिला जाते थे क्यों देर लगी है किसने रोका तुमको अब तक तो कई बार तुम आ जाते थे मीर हसन रुबाई के लिए जो दौर सबसे साजगार साबित हुआ वो मीर अनीस दबीर, गालिब, मोमिन और जोक़ का ज़माना था उन्होंने रुबाई गोई की सिंध पर खसूसी तोज्जह दी और इसे तरक्की की राह पर गामजन कर दिया उनके दौर में दिल्ली और लखनऊ दोनों अरबी अदबी मराक़ज़ में रुबाई को काफ़ी फ़रोग हासिल हुआ अहले लखनऊ ने ख़ास तौर पर रुबाई की तरफ तोज्ह दी अनीस और दबीर की जहद मुसलसल ने रुबाई को उर्दू की दीगर असनाफ़ सुखन के बिलमुबिल खड़ा कर दिया रुबाई के मौजूद में वसत और कुशादगी पैदा की और ये सिर्फ तसवफ़ और इश्क के महदूद दायरे से निकल कर ज़िंदगी की अखलाक कदरों की तर्जुमान बन गई और आवाम से इसका बखूबी तारफ़ हो गया के मजमू कलाम में तकरीबा साढ़े पाँच सौ और दबीर के यहाँ तकरीबा दो सौ रुबायात मिलती हैं उनमें से चंद शोरा की एक एक रुबाई मुलाहजा करें दिल को आराम बेकरारी से मिला सीने को सुरूर आहोजारी से मिला गुलजार जहाँ में सरफराजी पाई ये फल मुझे नखल खाकसारी से मिला अनीस पहुँचा जो कमाल को वतन से निकला कतरा जो गोहर बना अदन से निकला तकमीले कमाल की गरीबी है दलील पुख्ता जो समर हुआ चमन से निकला दबीर हर चंद के दोस्ती में कामिल होना मुमकिन नहीं यकबान वो यक दिल होना मैं तुझसे और मुझसे तू पोशीदा है मुफ्त निगाह का मुकाबिल होना गालिब इस चहल का है ज़ोक़ ठिकाना कुछ भी दानिश ने किया दिल को ना दाना कुछ भी हम जानते थे इल्म से कुछ जानेंगे जाना तो ये जाना कि न जाना कुछ भी ज़ोक मोमिन शोके गुनाहगारी कब तक ए तिर दरू से कब तक जान अपने खुदा को बाज़ आबहर खुदा ए दुश्मन दी बुतों से यारी कब तक मोमिन सिनफ रुबाई में अनीस दबीर की बेपना मकबूलीत और शहरत ने दूसरे शहरा को भी अपनी तरफ खसूसी तौर पर मुतव किया और रुबाई मजलस ख़ास से निकल कर आम अदबी मजलसों और मुशायरों में जगह पाने लगी इसी ज़माने में हैदराबाद में मरकज़ से दूर अफतादा मद्रासी ने अपना दीवान रबायात मुकम्मल किया जिसमें दो सौ छियानवे रुबाइयाँ शामिल हैं जो बेशतर मुतसवफाना हैं नमूने के तौर पर यह रुबाई देखिए इस बाग़ जहाँ में ए हबीब मबूद सब फ़रा है आपके हैं आप असल मौजूद क्या फ़र्श पे क्या जमी पे क्या तहतुल अर्ज नाम आपका है मोहम्मद अहमद महमूद मुखल मुर्शाद आबादी की एक दिलचस्प रुबाई भी दामने दिल को खींचती है नासे में अजब देखी मुर्वत तेरी आशिक के सताने में है रगबत तेरी दिल गम से भरा हुआ है इतना मेरा क्या इसमें समावेगी नसीहत तेरी हाली और अकबर जैसे कौमी मुसलन ने भी इस तरफ खासी तोज्ह दी और इस सिंफ को इस्लाही और तमीरी काम के लिए शोरी तौर पर मंतखब कर लिया दोनों ने इसे अखलाकियात का खास मौजू बनाया और उसे हसन वश्क और मध्य अहल बैत से निकाल कर ज़िंदगी के तमाम पहलू से हमकनार कर दिया इनकी रुबाइयात में हकीकत का रंग नुमाया है अकबर की रुबाइयात का लहजा भी हाल ही की तरह नासहाना है लेकिन दोनों का अपना इनफरादी अंदाज है हाल ही का अंदाज़ इंतहाई संजीदा और नरम गुफ्तारी का है तो अकबर का तंज ज़राफ़त और कहका आमेजी का दोनों की एक एक रुबाई मुलाजा फरमाएं इशरत का समर तल्ख सदा होता है हर कहकहा पैगाम बुका होता है जिस कौम को ऐश दोस्त पाता हूँ मैं कहता हूँ कि अब देखिए क्या होता है हाल ही कुछ भी नहीं चाहते वो चंदे के सिवा इस बाग़ में क्या धरा है फंदे के सिवा गुलची है हरिक नहीं है बुलबुल बुल कोई इस नुक्ते को कौन समझे बंदे के सिवा अकबर उनके बाद रबायात कहने की रिवायत आम हो गई और शोरा ने रुबाई गोई में ख़ास दिलचस्पी दिखाई इस दौर में अमजद हैदर आबादी जोश मलिया आबादी फ़ानी बदायूनी सीमा अकबर आबादी फिराक गोरखपुरी बारी आसी, शाद आरफ़ी यगाना चंगेज़ी तलोक चंद महरूम के नाम काबिल जिक्र हैं अमजद हैदर आबादी का नाम इस दौर के रुबाई गो शोरा में नुमाया है उन्होंने इस सिंफ़ की तरफ खसूस तवज्जह दी है उनको रुबाई के फ़न पर कुदरत हासिल थी जो मशाकी और पुख्ती उनकी रुबाइयात में मिलती है किसी और के यहाँ कम नज़र आती है उनकी एक मशहूर रबाई मुलाहजा फरमाएँ इंसान समझता है कि मैं भी कुछ हूँ नादान समझता है कि मैं भी कुछ हूँ लाहौल वला क़ुत इल्ला बिल्ला शैतान समझता है कि मैं भी कुछ हूँ अमजद्लाकबाल ने अपने अतात को रुबाई के अनुमान से शाया़ किया इस सिलसिले में मुद्दतों बहसें होती रहीं हम इस बहस में न पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं इस ज़माने के चंद और शराय कराम की एक एक रुबाई देखें मिंबर पे हुआ मरतबा दोबाला देखो फिर दोस्त का हाथ में कबाला देखो रोशन है कि मेरी शब उम्र आखिर है बुझती हुई शमा का उजाला देखो शाद अजीम आबादी जगाना के तेवर मलाहजा हूँ चारा नहीं कोई जलते रहने के सिवा सांचे में फना के ढलते रहने के सिवा ऐ शमा तेरी हयात फ़ानी क्या है झोंका खाने समलते रहने के सिवा यह गाना चंगेजी तो चंद महरूम कहते हैं है तेरे करम पे इसार हस्ती रहमत तेरी बाहिस बहार हस्ती हिकमत ये तेरी है ए हकीम मुतलक जर्रू से बना दिया हिसार हस्ती रियाज खैराबादी अपने मखसूस खमरिया अंदाज रखते हैं मोहताज तेरा हूँ मैं मुझे ज़र दे दे मद्दा तेरा हूँ लालो गहर दे दे कुछ कम नहीं मैं कदे में तेरे साकी थोड़ी सी मुझे शराब कोसर दे दे रियाज जोश की रुबाइयाँ तकमील फ़न का बेहतरीन नमूना है लेकिन फ़िराक़ की रुबाइयाँ आम रवश से हट कर एक नई चीज़ नज़र आती हैं जिन्हें हम संघार रस कहते हैं उनकी रुबाइयों में मगरबी कल्चर भी है और ईरानी कल्चर भी यूनानियों का जुमालियाती नज़र भी और कदीम हिंदू और बुद्ध आर्ट का रक्स और नहमा भी रुबाई की ज़मीन पर उन्होंने एक नया गुलजार खिला दिया जिसमें रंग भी है और रस भी उन्होंने संस्कृत के सिंघार रस को उर्दू रुबाइयों के नए रंगों में शामिल कर दिया फ़िराक फरमाते हैं तू हाथ को जब हाथ में ले लेती है दुख दर्द जमाने के मिटा देती है संसार के तपते हुए वीराने में सुख शांति की गोया तू हरी खेती है फिराक़ और जोश का अंदाज़ कुछ ये है क्या शेख की खुश्क जिंदगानी गुजरी बेचारे की एक शबना सुहानी गुजरी दोजख के तखयल में बुढ़ापा बीता जन्नत की दुआओं में जवानी गुजरी जोश शाद आरफी भी रिवायत से सरकशी करते हुए ऐसे आम मौजूद पर कलम उठाते हैं जिन पर आम रुबाई गोयों ने तोज्ज़र्फ़ नहीं की अछूते ख्याल और बाँ लहजा उनकी रुबाइयों का खसूसी वफ्फ़ है उर्दू शायरी की फ़लसफाना रुबाइयात की अम्बोह में शाद की रुबाइयाँ अपनी कजगुलाही के बास साफ़ पहचान में आती हैं शख़्स नुमाइश को अगर जाएगा अंजाम बता दूँगा तो डर जाएगा मंजिल पर पहुँचना तो यकीनी है मगर धड़ बीच में रह जाएगा सर जाएगा शाद आरफी फ़ानी ने भी अच्छी रुबाइयाँ कही हैं क्या जानिए किसकी जस्तजू जारी है एक उम्र से सितम आरज़ू जारी है कुछ अपनी ज़बाँ में दिल कहे जाता है बेसमझी हुई सी गुफ्तगू जारी है फ़ानी ब्रिज नारायण चकबस्त की मशाकी उनकी रुबाइयों में भी गुल खिलाती है देखिए तो गुल के लिए गुल है शबनम के लिए एक रब्त है इंतज़ाम आलम के लिए लेकिन है मेरा शबाब मातम के लिए ग़म मेरे लिए हैं और मैं गम के लिए चकबस्त असर कादरी अम्मू जान वली देहलवी किशन प्रसाद शाद अब्दुल बारी यासी और कोस हमज़ापुरी भी इस गुफ्तू के दौरान याद आते हैं ये वो रुबाई गो हैं जिन्होंने अजम मदरासी और गमगीन की तरह अपनी रुबाइयों के मुकम्मल दीवान मुरतब किए हैं जिनमें उर्दू की जुमला हरूफ तहजी के अतबार से रुबाइयाँ शामिल की गई हैं इन रबायी के कमाल फ़न का अंदाज़ा पेश करदा रुबाइयात से बखूबी हो जाएगा असर कादरी की दिलदोज रुबाई है रोता हूँ पे आहो नाला भी नहीं अंधेरे मकान का उजाला भी नहीं औलाद से है नामो निशां दुनिया में अपना कोई असर रोने वाला भी नहीं वली दहलवी फ़रमाते हैं हाल दिल शैदा तो छुपाए ना बने सुन कर उसे बिन मेरे सताए ना बने कहना भी ना कहना भी है दोनों आफत अब बात कोई मौत बिन आए ना बने किशन प्रसाद शाद का नमूना देखिए हाँ भेजो रसूल पर दरूद और सलाम वो जानिब हक़ से लाए हैं शाद प्याम हैं मुतहर मजहर व खुदा के ऐ शाद अहमद है लक़ब और मोहम्मद है नाम अब्दुल बारी आसी फरमाते हैं उल्फत में मरे तो ज़िंदगी मिलती है गम लाख सहे तो एक ख़ुशी मिलती है हर शमा को बज़म दहर में आसी जलने ही के बाद रोशनी मिलती है और कोस हमजापुरी के शोख तेवर मुलाहजा हूँ जाहिद है तुझे हर्म में जाने की हवस अ मर्द खुदा बला के फंदे ही में ना फंस खाने में तो बुत पर भी पड़ती है नज़र काबे में तो अल्लाह ही अल्लाह है बस रुबाई के तारीख़ी सफ़र के सिलसिले को आगे बढ़ाने से कबल इस मौके पर अहद हाज़र के उन रुबाई गोयों को याद कर लेना मुनासिब होगा जिनकी रुबाइयों के मुकम्मल दीवान मंजर आम पर आ चुके हैं उनमें नावक हमजापुरी भी शामिल हैं जिन्होंने रुबाई के ओज़ान वगैरह के बारे में कई मजामीन भी लिखे हैं उनकी क्या अच्छी रुबाई है कलियों के तबसम की तरह है दुनिया खामोश तकल्लुम की तरह है दुनिया है होश रुबा उसकी शराब कहना मैं कश हैं जो हम कम की तरह है दुनिया शाह हुसैन नहरी के दो दीवान रुबायात पर मुश्तमिल हैं उनमें से एक रुपाई बतौर नमूना मुलाहजा हो बातें करते मुँह से झड़ते थे फूल जाता वो गुलबदन मसरत से फूल अब बिस्तर पर बेबस पड़ा है ख़ामोश है गुल बदनी कहाँ कहाँ लब के फूल असगर वेलोरी भी इस ज़ुमरे में आते हैं उनकी एक रुबाई खुशकी से तरी से मुझे क्या लेना है गम और ख़ुशी से मुझे क्या लेना है दो हाथ मेरे भी दिए रब ने असगर अब और किसी से मुझे क्या लेना है अब तक यह तसवुर आम था कि रुबाई कोना मश्क और तजुर्बाकार शायर ही कह सकते हैं लेकिन अहद हाज़िर के कुछ असाब कलम ने अपने मजामी के तवसत से इस ख्याल को बातिल करार दिया और नई नस्ल खसूस अपने शागिरदों को रुबाई नवीसी की जानब माहल किया इस काविश के नतीजे में अहद हाज़िर के सैकड़ों शायरों ने रुबाई पर खामा फरसाइयाँ कहीं लेकिन बेशतर सहल अंगारी और सहल पसंदी के बायस तस्महत का शिकार हुए फिर भी कुछ अच्छे शायरों ने ऐसी रुबाइयाँ तख्लीक की हैं जिन्हें इस गुफ्तु में जगह मिलनी चाहिए इन रुबाइयों में गोना गो मौजुआत नोबन वालिब की शमूलियत ने फ़न रुबाई में कई नए पहलू उजागर किए हैं सियासी जब्र तशद पसंदी मुतसबाना जहनीत नासाफ़ी अदब मसाव और ऐसे ही मतदद नए मौजुआत पर नई रुबाइयों ने तनज व तशनी के तीर चलाए हैं हसन इश्क की वारदात को भी फरामोश नहीं किया है और मुतवफ़ाना तसुरत से भी चश्मपोशी नहीं की गई है नूर मोहम्मद यास कहते हैं गम की अब्दियत से जो तुम डरते हो जहनों में फना का फ़लसफ़ा भरते हो कहते हो कि मिट्टी का खलोना है वजूद क्या बच्चू जैसी बातें करते हो हिरानंद सोज ने अपना तजुर्बा यूँ बयान किया है तालीम की सुनते हैं फरावानी है हर जहन में अब इल्म की ताबानी है इस बात को दिल माने तो कैसे माने जाबाल में अखलाक़ में वीरानी है फिज़ा इबन फैज़ी की खूबसूरत रुबाई है चुन लेता हूँ बिखरे हुए मश्की लफ्ज़ों को शबनम में भिगोता हूँ शफक लफ्ज़ों को इजहार की ताजगी में ढल जाते हैं मैं इस तरह बुनता हूँ अदक लफज़ों को जगन्नाथ आज़ाद ने अपनी शख्सियत का इजहार इस रुबाई के ज़रिए किया है मीज़ान खिरद में बात तोली न गई फिर मुझसे शकर जहर में घोली न गई हाथों से कुछ इस तरह गिरा दी मैंने दांतों की मदद से भी जो खोली न गई मुजफ्फर हन्फी तख्लीकी पेचीदगी को बयान करते हैं हमजाद नहीं दुश्मन जहाँ बैठा है हाथों में लिए तेगो सना बैठा है जिस जा भी मताय फिक्र ले कर बैठूं, लगता है कोई और वहां बैठा है इब्राहिम अश्क भी नहायत तमतराक के रुबायात कहते हैं मसलन जीने की अदा में कोई एजाज़ रहा इंसान की अजमत का हमें नाज रहा हर दौलत खसरू को रखा ठोकर में गुरबत में शहनशाह का अंदाज रहा आदिल असीर दिलवी ने बहुत सी रुबाई गोइियों के मजमू मरतब किए और फारसी रुबाइयों को उर्दू रुबाई की शक्ल दी है ख़ुद भी रुबाई कहते हैं टूटा हुआ पैमाना नज़र आती है बेजान सा अफसाना नजर आती है दुनिया जिसे कहते हैं ज़माने वाले मुझको तो ये वीराना नज़र आती है नाजरीन उम्मीद है कि इस लेक्चर से रुबाई की हैत और इस इसफ सुखन की फ़नी नज़ाकतों के बारे में आपको मुफीद मालूम मिली होगी अब इजाज़त दें अगली नशस्त में रुबाई के मरूफ़ व मकबूल शायर व दानश्वर अल्ताफ़ हुसैन हाल ही की रुबाइयात के हवाले से गुफ्तु होगी शुक्रिया